हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ यानी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही यूनिक, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए AAI की तरफ से जो असिस्टेंट सिक्योरिटी की रिक्रूटमेंट आई है 2023 के रिगार्डिंग। हम लोग उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में मैं डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फॉर्म कब से स्टार्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या रहने वाले, कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग होगा, क्या सब सैलरी वगैरह मिलेगा। तो अगर आप भी इसको लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना फ्रेंड्स। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सी, एज आई टोल्ड यू, AAI के अंडर असिस्टेंट सिक्योरिटी की रिक्रूटमेंट आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि AAI होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही शॉर्ट फॉर्म होता है AAI। इसके अंदर होता है आपको एक डिपार्टमेंट, कैगो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी के अंतर्गत ना असिस्टेंट सिक्योरिटी की पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आई है। तो चलिए देख लेते हैं टोटल पोस्ट कितना रखा गया। सो योर टोटल पोस्ट विल बी ओवरऑल 436 सीट्स, 436 सीट्स के लिए वैकेंसी है। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो 20 अक्टूबर से आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट टू अप्लाई आपका है 15 नवंबर 2023। आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। जैसे ही आपको अगर समय मिलता है, अभी पूजा वगैरह का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे लोग बिजी होंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉर्म अप्लाई करना है तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई आप कर दो। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 अक्टूबर 2023। मिनिमम एज नॉट मेंशन्ड, मैक्सिमम 27 इयर्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर 12th पास आउट जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट परसेंटेज का भी कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया। जनरल कैंडिडेट जिनका कि 12th में मिनिमम 60% है वो अप्लाई करेंगे। SC ST कैंडिडेट मिनिमम 55% वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जो एबिलिटी होती है रीड एंड स्पीक, इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल रहने वाले हो। आगे अगर हम बात करें कि फॉर्म की फी क्या रहने वाली है, तो आपका जो फॉर्म फी रहेगा जनरल OBC से लिया जाएगा 500 रुपीज, SC ST EWS एंड वीमेन कैंडिडेट से यहाँ पर 100 रुपीज लिया जाएगा फॉर्म की चार्ज। अब बात आती है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, कोई एग्जाम नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपली एक पर्सनल इंटरेक्शन के बेसिस पे, मतलब कि एक समझ लो कि पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरव्यू किनका होगा, जिन बच्चों का 12th में हायर परसेंटेज होगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो आई होप कि सिलेक्शन प्रोसेस आप समझ गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है। तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि ये जो आपका फॉर्म निकला है ना, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के लिए, जिसका टेन्योर अवधि आपका 3 इयर्स का रहने वाला है। मतलब 3 साल आपको सर्व करना होगा, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। अगर अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो आगे टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आप सैलरी की बात करो ना, तो 3 इयर्स का अलग अलग सैलरी है। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट ईयर में आपको मिलता है 21,500 रुपीज पर मंथ की सैलरी। सेकेंड ईयर से आपको 22,000 पर मंथ की सैलरी दी जाती है। थर्ड ईयर में मिलेगा आपको 22,500 रुपीज। सो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। इसके साथ साथ ना आपको कुछ बेनिफिट्स भी, पर्क्स दिए जाते, तो चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेनिफिट में अगर बात करूँ तो आपको लीव मिलेगा 18 लीव पूरे साल के लिए, उसके साथ 12 हाफ पे CL, मतलब कि हाफ आपको पेमेंट दिया जाएगा 12 छुट्टी का। 9 CL मिलेगा, 2 RH मिलेगा, साथ ही साथ मेडिकल इंश्योरेंस भी कराया जाता है 10,000 रुपीज का। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज अब ये है कि आपका जॉब का लोकेशन क्या रहेगा। तो जो नोटिफिकेशन है ना फ्रेंड्स, उसमें क्लियरली ये मेंशन कर दिया गया कि जो कैंडिडेट ऑल इंडिया के अंदर सर्व करने के लिए रेडी है वो ही इस फॉर्म को अप्लाई करे, अदरवाइज आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो जॉब का पोस्टिंग है वो किन किन स्टेट के अंदर किस किस सिटी में रहने वाला है। तो आपका जो जॉब लोकेशन है वो पैन इंडिया के बेसिस पे रहेगा। चलिए अब हम लोग सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। चेन्नई, कोलकाता, गोवा, कोझिकोड, वाराणसी, श्रीनगर, वडोदरा, तिरुपति, वाईजैग, मदुरई,
त्रिची, रायपुर, रांची, भुवनेश्वर, पोर्ट ब्लेयर, अगरतला, ग्वालियर, अमृतसर, लेह, देहरादून, पुणे, इंदौर और सूरत के अंदर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। मतलब कि AAI की तरफ से डिसाइड किया जाएगा कि आपको कहां पर सर्व करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी सीट दी जाएगी। सो आई होप कि मैंने जो डिटेल आपको बताया है AAI असिस्टेंट सिक्योरिटी रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे, रिलेट कर पाए होंगे। अदरवाइज अगर छोटी सी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन है, आप वहां पर आके क्वेश्चन पूछो, मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो भर भर के लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी फिर से किसी न्यू जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।